अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए आयु क्या कर रही है। आयु को आज फिर से बुखार हो गया, आई मीन टू से फीवर हो गया। अभी थोड़ा सा उतरा है तो अभी खेल रही है ना आयु? वहाँ जाओ, हाँ यहाँ बैठो। जी जी जी, क्या कैसे बैठ रही है? देखो आज बना रहे मीठे करेले और आलू की चटनी, उसमें प्याज, हरी मिर्च और सूखी हुई लाल मिर्च साथ में जाएगी। इन सभी सभी कुछ मिला के बनेगा ये चटनी, और सरसों का तेल आखिर में डालना पड़ेगा। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम। देखिए हरी मिर्चें, आलू और ये मीठी करेला सब कुछ अच्छे से धो लिया। मीठी करेला की जो काटे रहते काटे जैसे, वो मैंने छुरी से निकाल लिया, और अभी ये सब मैं डाल दूँगी कुकर में। बॉयल होने के लिए थोड़ी सी पानी दे दूँगी, अंदाज से दे दीजिएगा जितना कि चाहिए होगा उसको उसमें। और अभी मैं थोड़ी सी नमक दूँगी सिर्फ, देखिए ज़रा सा नमक, आधी चम्मच के लगभग। अभी मैंने लीड लगा के रख दिया चूल्हे पे, हाई फ्लेम पे 2-3 सीटी आने तक रहेगा। उसके बाद आग को धीमे कर दूँगी, पानी को सुखा लूँगी, फिर निकालेंगे हम। ये देखिए सब कुछ बॉयल हो गया, अभी इनको मैश करके लेते हैं। आलू को मैंने छील लिया, और आप चाहे तो इसका बीज, मीठे करेले का बीज अगर चाहो तो आप इसको फेंक सकते हो और खाए तो भी, बहुत लोग खाते हैं और नहीं खाते, इसको जैसे वैसे कर सकते हो। और आज अब इसको मैश कर लेते हैं। देखिए जो हार्ड वाला बीज था वो मैंने निकाल लिया, और नरम वाला मैंने मैश कर लिया एक ही साथ। अभी आलू को भी एक साथ मैश कर लूँगी। सब कुछ मैश कर लिया एक साथ, अभी सूखी हुई लाल मिर्च नमक के साथ मैश करूँगी। इसमें मैं अभी दे दूँगी हरी मिर्च भी बॉईल किया हुआ, अच्छे से मैश करके फिर दे दूँगी प्याज। फिर इसमें मिला लेंगे। मैंने मिला लिया सबको, अभी मैं दे दूँगी थोड़ी सी सरसों का तेल। फिर से अच्छे से मिला लेंगे। ये हो गए हमारे चटनी रेडी। देखिए आयु को फिर से बुखार हो गए, तो अभी खाना नहीं खा रही है, वो पेस्ट्री खाना है उसको। अभी लाके दिया है उसके पापा ने पेस्ट्री, अभी खाने लगी है। खाओ आयु। ओह आयु दिखा रही है उसकी पेस्ट्री में चेरी है, ये चेरी है, इसकी नाम क्या है? चेरी। बोलो, लेफ्ट हैंड से नहीं खाते आयु? हाँ गुड गर्ल, राइट हैंड से खाना चाहिए ना, गुड गर्ल। आयु को, आयु की बाल बांधो, मुंह में आ रहे बाल। अच्छा ठीक है, आप खाओ, मैं बाल बांध देती हूँ, ठीक है। और अभी आप लोग क्या कर रहे हो? शाम का नाश्ता तो शायद हो गया है सबका, मेरा भी हो गया है, और बाकी हर रोज़ की यही आयु गई है उसकी दादी के पास, और मैं अकेली हूँ यहाँ। थोड़ी ही देर में वो खाना खाएगी, एक्चुअली खाना नहीं खा रहे, पता नहीं कल से क्या हो गया है। कल सुबह एक बार उसको तेज़ बुखार आया, उसके बाद दवाई पिलाई तो सारा दिन ठीक, रात को भी ठीक ही था, सुबह आज सुबह फिर से बुखार आ गया, तो आज भी दवा खिलाई, खिलाना पिलाना जितना भी था मैंने करवा दिया, तो उसके बाद से अभी फ़िलहाल बुखार उतरा है, लेकिन वो कुछ खेल नहीं रही है, ऐसे मोबाइल ही देखती रही है, और खाती भी अच्छे से नहीं है, कुछ भी नहीं खाने का मन है उसको बस। इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरे हाथ का भी ये देखिए हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, पता नहीं कमी नहीं हो रहा है, बहुत दिन से ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा
बुरा हाल हो गया हाथ का, तो अभी इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, तो अभी यहीं पे मैं एंड कर दूंगी वीडियो को। कल एक नए ब्लॉग लेके इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर से मुलाकात होगी। मेरे वीडियोस को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।